No, he was he told me. সুশান্ত নামে কেন এবং একটা জন থাকে প্রাণঘাতী হামলা, প্রাণঘাতী হামলা না হলে যে সেকশন among the masses. So that kind of it team visits. So we line it up tomorrow. And go back and they again pursue their needs here. So tomorrow this forces. Only dearth of the intention. So like today also we saw the police in front of us. So कैसे नजरिया से आप क्यों देखिए विचारधारा तो करीब करीब हम और लेफ्ट में जो है काफ़ी सिमिलरिटीज हैं और एक बहुत बड़ा दुश्मन को हराने के लिए त्रिपुरा के को बचाने के लिए जरूरी है। देखो त्रिपुरा को बचाने के लिए अगर 16 साल की बच्ची की रेप होता है बीजेपी के मंत्री का बेटा लोग के ऊपर FIR 7 दिन लगता है उसके बाद क्या बोलना है आप बताओ क्या कि एक बच्ची का गैंग रेप होता है 7 दिन तक FIR नहीं होता है उसके बाद मैं क्या बोलूं आप लोग को लगातार जिस तरह से ऑफिस जला अभी 76 और 76 साल के आदमी को मारा हमारे लेफ्ट पार्टी के एक समर्थक को 76 यार हमारे सीन हम आप लोग के पिताजी के उम्र के लोग को मार रहे हैं लोग जान से ये क्या मतलब है चुनाव में लड़ो अपने विचारधारा के गुंडागर्दी इलेक्शन कमीशन ईडी सीबीआई के बल पर मत लड़िए अगर अलायंस होगा तो डोमिनेट आप इतना क्यों डोमिनेट क्या बात है यार जो भाई लोग में आपने डोमिनेट कोई करता है क्या एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं यही आप लोग का भाषा मेरा भाषा नहीं है IPFT और बीजेपी में डोमिनेट कौन कर रहा है इस तरह का भाषा सत्यप्रो मथक के साथ कोई बात हुआ सीताराम जी ने भी बोला हम भी बोल रहे हैं अगर आप हम लोग के साथ क्योंकि हम तो बीजेपी के खिलाफ वाला फ्रंट है साथ में नहीं आने से फिर ये लोग चर्चा होगी कि क्या कुछ लोग बीजेपी को मदद कर रहे कि नहीं कर रहे ये तो लोग बोलते हैं हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सबको कि कांग्रेस लेफ्ट और कांग्रेस के साथ साथ में आइए ये बात गलत है ये बात इस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा मेरा इतना ही कहना है कि त्रिपुरा के सामने सबसे बहुत बड़ी चुनौती है बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा डू यू वांट जॉब्स नौकरी चाहिए शांति चाहिए या गुंडागर्दी या भ्रष्टाचार चाहिए ये त्रिपुरा का जनता को तय करना है तो जितने भी लोग जो पब्लिक जो त्रस्त है हम लोग के साथ आइए हम लोग एक नया त्रिपुरा को दिशा देंगे